उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी द्वारा बचत भवन के सभागार में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल शाखा द्वारा जिला शिमला के विभागीय प्रमुखों के लिए आयोजित एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता की। आदित्य नेगी ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो की मानकीकरण एवं प्रमाण योजना उपभोक्ताओं और उद्योगों को लाभ पहुँचाने के साथ साथ उत्पाद सुरक्षा एवं उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में कार्य करती है। आज की ये बैठक, आज बचत भवन में एक हमने एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत जो है एक सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप करी गई थी। इसमें हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आए थे, जिसमें हमारे शिक्षा विभाग से, पीडब्ल्यूडी विभाग से, पुलिस विभाग से और इस तरह जो और भी दूसरे लाइन डिपार्टमेंट्स है उन सभी विभागों से लोग आए थे। तो इसमें बेसिकली हमने जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो काम करता है, जो क्रियाकलाप वो करते हैं, उसके बारे में जो है लोगों को जागरूक किया। उसमें जैसे हर चीज़ के लिए जो है एक इंडियन स्टैंडर्ड बनाया गया है, जैसे पानी के बॉटल्स के लिए बनाया गया है, सीमेंट के लिए बनाया गया है और ऐसे रोज़मर्रा की जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं तो उनके रिगार्डिंग उनके स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए गए हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स के बारे में अवेयर करने के लिए और उसके अलावा भी कैसे कोई चीज़ जो है कि स्टैंडर्ड की है या नहीं है, उन सारी चीजों को के बारे में जो है ये वर्कशॉप आज यहाँ पे आयोजित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।